Hello everyone, it's me Amar and welcome back to my channel. So today I'm going to show you a new tutorial on how to make a hologram effect. I hope you like my previous video on how I made the cloning effect, and if you like my video, please do subscribe and don't forget to put a thumbs up. So without wasting any more time, let's get started with the tutorial. So pehle main apna project khol lunga, jaise ki ye aap new project dekh rahe ho, jisme main Amar hologram ke naam se save karunga naya project. तो जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी होलो अमर होलोग्राम, और उसके बाद मैं ओके करके इसको नया टाइमलाइन पे ले आऊँगा. और उसके बाद मैं अपना जो फुटेज चाहिए मुझे, जैसे एक स्क्रीन रिकॉर्डर और एक आपका मेन फुटेज, जैसे कि मैंने ड्रॉप कर लिया, आपको टाइमलाइन देख रहा है ये. अभी इसको मैं मेन प्रोजेक्ट पर लाऊँगा और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर को भी लाऊँगा अभी मैं. तो जैसे कि मैं अभी ये हो गया मेरा, मुझे इतना तक चाहिए और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और मेरा दोनों फुटेज आ गया है आपका टाइमलाइन पे. तो अभी मैं पहले इसको थोड़ा सा रेशियो नीचे करूँगा पोजीशन स्केल से. तो जो ये हो गया, अभी मैं एफएक्स पे जाऊँगा और क्रॉप डाल के मैं थोड़ा इसका लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट को सही करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा अभी लेफ़्ट राइट पर थोड़ा ब्लैक ही सबको दिख रहा है. तो ये हो रहा है, अभी मैं कर रहा हूँ. तो फिर से मैं एफएक्स पे जाऊंगा, उसके बाद मैंने आरजीबी कलर पे क्लिक किया. तो ये रहा मेरा आरजीबी कलर, जिसको रेड मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल ही, तो इसको मैं जीरो कर दूंगा. और बाकी का जो है ग्रीन और ब्लू, जिसको मैं 185, ग्रीन को 185 के बीच में रखूंगा और ब्लू को 195 के पास रखूँगा. तो ये हो गया मेरा. फिर से मैं जाऊँगा आपका, और अभी वेव वार मैंने ले लिया, ये एफएक्स पे आपको मिल जाएंगे. फिर इसको मैं अभी पेस्ट करूँगा स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर फिर से. और अभी इसका जो आपको दिख रहा है डायरेक्शन और वेव, डायरेक्शन और वेव स्पीड, तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. जैसे कि वेव स्पीड को मैं 6 to 7 के बीच में रखूँगा. और ये हो गया मेरा. और अभी मैं जाऊंगा फिर से एफएक्स पे और अल्फा ग्लो इफेक्ट ले रहा हूँ मैं फिर से. इसको भी मैं अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर पेस्ट कर दूंगा. इसको मैं अभी ग्लो और ब्राइटनेस को चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो. और हो सके तो जो नीचे का कलर मैं अभी ले रहा हूँ उसको सियन, नहीं तो आप ब्लू में रखिए, क्योंकि तब होलोग्राम का इफेक्ट थोड़ा और अच्छा लगता है. वो मैं यही प्रिफर करता हूँ. आपको अगर दूसरा कलर भी लेना है तो आप ले सकते हो. तो मैंने ब्लू ले लिया और ये हो गया मेरा अल्फा ग्लो इफेक्ट का काम ख़त्म. तो अभी इफेक्ट्स पे फिर मैं थ्री बेसिक टाइप कर रहा हूँ. तो ये इसको भी लाके मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे पेस्ट कर दिया. तो इससे आपका पोजीशन टिल्टिंग अगर होता है जो स्विवल से और टिल्ट से, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. जैसे कि मुझे अभी सामने की तरफ चाहिए मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर को, तो मैं इससे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ. और ऊपर पर जो पोजिशन अगर है तो उससे मैं एडजस्ट करके वो मेरे अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रीन पे. तो ये अभी मेरा सेट हो चुका है. तो अभी जो पहला फुटेज है जो स्टार्टिंग का, तो मैं इसका की फ्रेम्स अभी सेट करूँगा, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मेरा जो होलोग्राम इफेक्ट है वो मेरे घर ही से निकला हुआ है. तो उसके लिए कारण मुझे अभी फ्रेम रेट को सेट करना है, की फ्रेम्स को, जो कि पोजीशन और स्केलिंग को. तो इसको मैं अभी स्केलिंग को थोड़ा सा नीचे और पोजीशन को सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो. तो ये रहा. तो मैं फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जो मेरा नंबर से मैं उसको ही टाइप कर दूंगा, ताकि फ्रेम मेरा एडजस्ट हो जाएगा उसमें ही.
क्योंकि पहले 0 से वो 100 तक जाएगा और उसके बाद एक जैसा लगे, जैसे कि ये अभी हो गया और सेकंड फ्रेम जो मैंने काट कर दिया था ब्लेजर, जो कि मैंने काट कर दिया ब्लेड टूल से। तो ये रहा जो कि मैंने स्केलिंग करके अभी सेम फुटेज को फिर से एक जैसा बना दिया और स्टार्टिंग का अभी मेरा सीक्वेंस बन चुका है। तो थोड़ा सा इसको मैं फास्ट कर देता हूँ। तो ये रहा। अभी मैं लास्ट का पोर्शन सेम ऐसे ही मैं फिर एडजस्ट करने वाला हूँ ये पोजीशन और स्केलिंग से की फ्रेम्स लगा के। तो इसमें मैं फिर पोजीशन डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे जैसे कि पोजीशन और स्केलिंग पे मैं की फ्रेम्स लगा दिया। तो अभी इसको मैं डुप्लीकेट करने वाला हूँ फुटेज को। ये विंडोज़ पे आपका ऑल्ट और लेफ्ट माउस से होता है और मैक पे आपका ऑप्शन और लेफ्ट माउस से। तो हो गया ये मेरा और एक फुटेज ऊपर, इसके ऊपर और एक फुटेज मेरा हो गया अभी। तो इसको अभी मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि लेकडाउन हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट। तो ये हो गया। तो 75% जैसा काम मेरा अभी हो चुका है। जो ऊपर का फुटेज है तो उसमें मैं अभी आपका ब्लेंड मोड पे जाके उसको कलर डोज पे डाल रहा हूँ। तो तीनों फुटेज को मैं कलर डोज पे ला रहा हूँ, तो क्योंकि ब्लेंड मोड पे जाके आपको करना है। तो ये रहा हो गया। तो अभी वो तीनों का ओपेसिटी मुझे 100 कर देना है, जो कि टॉप फुटेज है आपका, जो कि मैंने अभी ऑल टोर लैप माउस से किया था। तो तीनों का मैंने ओपेसिटी 100 कर दिया। तो अभी मैं जाऊँगा गोसन ब्लर लेने के लिए एफएक्स से, और उसको भी मैं अभी टॉप फुटेज पे मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ। और इसको अभी मैं आप इसको 70-80% के बीच में रख सकते हो गोसन ब्लर को। तो तीनों फुटेज में मैं फिर से इसको 75 पे रख दिया और बाकी का मेरा काम, और बाकी तो मेरा अभी काम हो चुका है इसका। और बाकी अभी मैं फिर से कलर पे गया और थोड़ा टेम्परेचर अगर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा फुटेज बन चुका है। तो आप भी एक बार देखिए मेरा फुटेज अगर आपको सही लगा है। So if you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.